बॉलीवुड में यूं तो आए दिन ब्रेकअप और लव अफेयर्स की खबरें आती रहती है, पर कंगना और ऋतिक के सीक्रेट रिलेशन की चर्चा तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स कभी ऋतिक तो कोई कंगना के लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कंगना ने आपकी अदालत में ऋतिक के कई राज खोले। ऋतिक ने उस समय तक चुप्पी साधे रखी, बट नाउ ही रिएक्टेड ऑन दिस टॉपिक। ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक 761 शब्दों की एक लंबी पोस्ट लिखकर इस मामले पर अपनी सफाई दी। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत के साथ रिलेशनशिप में रहने के आरोपों पर पहली बार गुरुवार को खुलकर अपनी बात रखी। कंगना और ऋतिक रोशन की रिलेशनशिप का विवाद काफी दिनों से बॉलीवुड में चर्चा में है, जहां कंगना का कहना है कि ऋतिक रोशन उनके साथ रिलेशनशिप में थे, वहीं ऋतिक रोशन इस दावे को खारिज करते हैं। बुधवार को ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 761 शब्दों की एक लंबी लिस्ट पोस्ट कर लिखी इस मामले पर अपनी सफाई दी। इस सफाई के जरिए उन्होंने कंगना रनौत को 4 सवालों के जरिए घेरने की भी कोशिश की। हालांकि पूरी पोस्ट में उन्होंने कंगना का नाम नहीं लिया। हम आपको बताने जा रहे हैं ऋतिक रोशन ने कौन से वे 4 सवाल उठाए। पहला सवाल, ऋतिक रोशन ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि दो बड़ी सेलेब्स के बीच 7 साल चले रिलेशनशिप का कोई सबूत नहीं है। ऋतिक ने लिखा है, इस रिलेशनशिप का कोई सबूत, कोई तस्वीर, कोई गवाह नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि दावा किया है कि जनवरी 2014 में मैंने उस महिला के साथ पेरिस में सगाई की, लेकिन इस पल की सेल्फी भी मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल, ऋतिक ने लिखा कि मुझ पर आरोप लगाए गए थे कि मैंने उस महिला का ईमेल हैक करके खुद को ही 3000 मेल उसके नाम से कर लिए। अभी यह जांच हो जाएगी कि यह मेल मैंने खुद को किए या फिर उस महिला ने किए। साइबर क्राइम विभाग इसे कुछ दिनों में साबित कर देगा। इसके लिए मैंने सारी डिवाइस जैसे लैपटॉप, फोन वगैरह साइबर क्राइम विभाग को सौंप दिया है, जो कि अभी भी उन्हीं के पास है, लेकिन दूसरी पार्टी ने ऐसा करने से मना कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि कंगना ने पुलिस को बताया कि उसका फोन स्विमिंग पूल में गिर गया और लैपटॉप रिपेयर के लिए गया है। तीसरा सवाल, ऋतिक रोशन ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैंने जनवरी 2014 में उस महिला के साथ पेरिस में सगाई की थी, लेकिन मेरे पासपोर्ट की डिटेल के मुताबिक मैं जनवरी 2014 में देश से बाहर गया ही नहीं था, तो सगाई कैसे हो गई? चौथा सवाल, अपनी पोस्ट में ऋतिक रोशन ने चौथा सवाल उठाते हुए कहा कि इस कथित रिलेशनशिप के सबूत के तौर पर एक तस्वीर दिखाई गई, लेकिन अगले ही दिन मेरी पूर्व पत्नी और दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि यह फोटोशॉप की हुई तस्वीर है। For more new updates and gossip, stay connected with Bollywood Filmi Tadka.